तिवारी और आप देख रहे हैं मैं चैनल बाजार हट के। आज की वीडियो में फ्रेंड हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कॉम्बो की। कॉम्बो मतलब गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस दोनों की यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फ्रेंड देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंड हमें इस कॉम्बो में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है, यहाँ हमें क्या फीचर्स देखने मिल जाते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे हमें गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे ज़ेब्रोनिक के ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें देखने मिल जाती है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे अमेज़न की, तो अमेज़न पे अमेज़न चॉइस पे लिस्टेड है। यहाँ पे फ्रेंड हमें बजट पे बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी देखने मिल जाती है, मेटल बॉडी देखने मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। तो चलिए फिर करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके हम कुछ फीचर्स। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेमिंग कीबोर्ड की कि यहाँ पे हमें इस कीबोर्ड पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड इस कीबोर्ड में हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड हॉटकीज देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें गोल्ड प्रिंटेड यूएसबी इंटरफेस देखने मिल जाता है। बॉडी की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें एल्युमिनियम बॉडी देखने मिल जाती है, दो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे हमें स्टैंड देखने मिल जाते हैं, मल्टी कलर यहाँ पे हमें एलईडी देखने मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्रांडेड केबल मिल जाती है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ कीज की 104 कीज देखने यहाँ पे मिल जाती है। लुक की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे देखने मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें वेरियंट कलर के मल्टीपल कलर की यहाँ पे हमें एलईडी देखने मिल जाती है, जिससे हमें यहाँ पे सेटअप पे बहुत ही अच्छा लुक देखने मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड हम बात करें माउस की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे हमें 3200 का DPI भी देखने मिल जाता है, USB इंटरफेस, गोल्ड प्लेटिनम USB, ब्रीथिंग LED, ब्रांडेड केबल और यहाँ पे फ्रेंड हमें गेमिंग के इस माउस में 6 बटन देखने मिल जाती है। मतलब यहाँ पे फ्रेंड हमें राइट थंब पे, यहाँ पे फ्रेंड हमें अप एंड डाउन की भी देखने यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हम सबसे पहले माउस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड इसके पहले इसके बजट में हम गेमिंग पे, यदि हमारा बजट नॉर्मल होता था तो हम गेमिंग माउस स्पीड को यूज करते थे, यहाँ पे हमें 2400 DPI देखने मिल जाता था। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने गेमिंग माउस स्पीड का भी रिव्यू किया हुआ है, यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पे जाके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि यहाँ पे हमारा बजट नॉर्मल होता था तो हम यहाँ पे गेमिंग माउस स्पीड को यूज करते थे, यहाँ पे हमें बहुत ही कम बजट पे बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता था। और यदि हमारा बजट सही होता था तो यहाँ पे हम ड्रैगन वॉर LA G9 थॉर ब्लू को लेते थे और ड्रैगन वॉर G9 थॉर ब्लू में भी हमें बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड हमें इस कॉम्बो पे बहुत ही अच्छी डील देखने मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रेंड हम कीबोर्ड की बात करें तो इसके पहले इसके बजट में हमने यहाँ पे रीड्रैगन का ब्लेजी 3 कलर ब्लैक लाइट गेमिंग कीबोर्ड यहाँ पे हम यूज करते थे। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके प्राइस की तो 900 रुपए करीब में ये हमें मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड इस कॉम्बो में हमें बहुत ही अच्छी डील देखने मिल जाती है, 1400 रुपीज के आसपास यहाँ पे फ्रेंड हमें इस कॉम्बो की डील देखने मिल जाती है। चलिए फ्रेंड करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें हमें कैसी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I...
यदि फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारे चैनल में न्यू हैं और गेमिंग और गैजेट की कैटेगरीज पे इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।